Hi guys, as you have seen in my intro, I will be cooking दाल मखनी, कढ़ाई पनीर and naan today. सबसे पहले दाल मखनी के लिए मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है. दो तीन विशल के बाद मैं हटा दूँगी. फिर यहाँ पे मैंने नान बनाने के लिए आटे को गूंथ लिया अच्छे तरीके से. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं बना के रही हूँ. एक्चुअली ना मुझे बहुत ही दिनों से ये सब खाने की क्रेविंग हो रही थी, पर ना मुझे रेस्टोरेंट वाला नहीं खाना था, मुझे ना खुद बनाना था. प्रॉब्लम ये था कि मैंने आज तक कभी ये बनाया ही नहीं. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी कुकिंग दाल मखनी कढ़ाई पनीर. मेन कुकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं इनिशियल प्रिपरेशन कर रही हूँ. मैंने आटे को गूंथ के रख लिया नान के लिए ताकि वह थोड़ी देर रेस्ट कर ले. यहाँ पे मैं टमाटर काट रही हूँ. ढेर सारे टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों सब्जियों में जाएगा, कढ़ाई पनीर में भी, दाल मखनी में भी. फिर मेरे पास जो भी वेजिटेबल है वो सारे मैं चॉप करके एक बार रख लेती हूँ ताकि ना मुझे खाना बनाने में आसानी हो, थोड़ा ईजी प्रोसेस लगे. वन मोर थिंग, आज मैंने जो भी कुक किया है ये कोई मेरा अपना रेसिपी नहीं है. मैंने भी आप लोगों की तरह यूट्यूब से ही सीखा है. हाँ, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को मैं नहीं फॉलो करती हूँ. हमेशा मैं ना दो तीन वीडियो को देखने के बाद, सबको कंबाइन करने के बाद अपना खुद का ही कुछ बना लेती हूँ. तो सबसे पहले ना मैं कढ़ाई पनीर बना रही हूँ. कढ़ाई पनीर बनाने का सारा नोट्स मैंने लिख लिया है. ऑब्वियसली मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब से देखती हूँ. ये है कढ़ाई पनीर मसाला. जो मसाला पड़ता है मैं सबसे पहले वो बना के रख रही हूँ और इसको मैं पीस करके साइड कर लूँगी. यहाँ पे मैं तेल में जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके उसको ब्राउन कर ली हूँ. उसके बाद उसमें मैंने डाला है चॉप्ड अनियन. फिर उसको अच्छे से पका लेंगे और जब तक इधर ये पक रहा है तब तक मैं उधर दूसरी तरफ जो मेरे जो सब्जियाँ हैं जो जाएंगी कढ़ाई पनीर में उसको मैं डाल करके अच्छे से सौते कर लेती हूँ. इधर मैं पनीर को काट रही हूँ और ये जो पनीर है मैंने घर में तैयार किया, बहुत ही सॉफ्ट पनीर बना था. ये हो गया. फिर मैं वापस उधर जाऊंगी और मुझे एक बार में दो तीन काम करने में अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है. फिर यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया. फिर उसको अच्छे तरीके से पकाने का, उसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, सारे चीज़ डाल करके अच्छे से पकाने का. और ये समय बहुत टाइम लग जाता है. ये जो मसाले को भूनने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है. अच्छे से ना भुने ना तो वो कच्चा रह जाता, फिर अच्छा नहीं लगता टेस्ट. एनीवेज, जब अच्छे से भुन जाए उसमें पानी डाल के सारी सब्जियां पनीर डाल करके जो मेरा जो मसाला था जो मैंने पहले बनाया था वो मैंने पीस लिया है. ऊपर से मैंने डाला कढ़ाई पनीर मसाला, थोड़ा सा और पानी डाल करके मैंने उसको थोड़ी देर पकने दिया. नमक, ऑब्वियसली नमक तो डालना ही पड़ता है. ये सब बनने के बाद थोड़ा सा क्रीम जो कि बहुत ही ज़रूरी है, मिक्स करने के बाद मैंने डाला उस पर कस्तूरी मेथी. थोड़ा सा पकाने के बाद सब्जी इज़ रेडी. बिलीव मी, बहुत ही डिलीशियस बना था. फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट इट वॉज डिलीशियस. चलिए अब आते कढ़ाई पनीर पे. आई एम टेलिंग यू, ये खाना बनाने में मेरा हालत ख़राब हो गया. मैंने कभी भी ना एक या दो सब्जी एक बार में नहीं बनाया है और ऊपर से वो सब्जियां जो मैंने कभी नहीं बनाया है फर्स्ट टाइम ट्राई करना, तो उसमें और भी हैक्टिक था. पर हो गया, यही सही है. तो यहाँ पे मैंने दाल मखनी के लिए जो मेरा तड़का है वो तैयार कर लिया. ये गया मेरा दाल और इसको मैंने बहुत ही देर तक पकाया है. लगभग आधा पौन घंटा ये पका तब जाके इस कंसिस्टेंसी में आया है. फिर यहाँ मैं लगा रही हूँ तड़का लहसुन और लाल मिर्च का. ये गया मेरा तड़का, कितना खूबसूरत दिख रहा है. फिर मैं डालूँ इसमें क्रीम. ये डालने को मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी. लगभग एक घंटा ये पका तब जाके ऐसा हुआ है. मैं ये नहीं कहूंगी दाल मखनी बहुत ही डिलीशियस था बट इट वाज ओके. आई डोंट थिंक सो कि मैं दोबारा ट्राई करूंगी क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं बना था. पर जो अच्छा बना था वो है नान. ये मैं पहली बार नहीं बना रही हूँ, मैं पहले भी मैंने बना रखा है और आई नो द रेसिपी. तो मैं बहुत ही मस्त क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों नान बनाती हूँ. यहाँ पे मैं पानी लगा रही हूँ. ये गया मेरे तवा पे. थोड़ी देर पकने के बाद मैंने उल्टा किया और उसके बाद मैं निकाल दूँगी ढेर सारा बटर लगा के. मेरा नान रेडी है.